सिंपल सी बात है, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम डेट आ चुका है और बहुत कम डेट बचे हैं। तो इन बचे हुए डेज में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या क्या पढ़ना है मैं वो चीजें बताऊंगा और आप इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से कन्फर्म क्वेश्चन आने तय हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर और बना सकते हैं। और पूरा कूड़ा कचरा मत कीजिए, जितना पढ़े हैं वो सॉलिड है और उसको बस धार दे दीजिए। जो मेन मेन चैप्टर है दो चार दिनों में उनको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हल्के नज़र से पढ़ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में आपको अगर कुछ पढ़ने का मन कर ही रहा है तो लेंस वाले चैप्टर को उठाओ, थोड़ा पढ़ लो, इससे एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इसका रिवीजन का फायदा हुआ कि 10 नंबर आपने यहाँ से अलग से तैयार कर लिए, क्योंकि जो करना था वो तो आप करोगे। इसी तरह लाइट प्रकाश के चैप्टर को पढ़े, दो क्वेश्चन यहाँ से आप एक्स्ट्रा तैयार करोगे, तो 10 10 20। और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीन चैप्टर को पढ़ लीजिए, 30 नंबर आपका यहाँ से फिक्स आने ही आने हैं। समझ लो बहुत ही गोल्डन टॉपिक है ये सब, इसे आप आराम से पढ़िए। लास्ट डेज है, मैं आपका हमेशा हेल्प करूँगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज रहे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। केमिस्ट्री में आप देखिए 30 एलिमेंट्स जो होते हैं स्टार्टिंग के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो भी याद करते हो, 30 तक याद रखेंगे विथ एटॉमिक नंबर, कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे क्लोरीन का पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का 17 और 35 होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और पीरियोडिक टेबल से कई सारी चीज़ें पूछता है कि ग्रुप में दाएं से बाएं जाने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या चेंजिंग होती है। तो इस टॉपिक को आप एक बार बुक में है तो बुक में से देख लीजिए, 10 मिनट लगेगा, रिवीजन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी कन्फर्म आना है। तीसरा है, और केमिकल फार्मूला जैसे पूछ देता है यूरिया का फार्मूला क्या है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले पूछ देता है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि NH2CO NH2 जो भी है, ठीक है, ये फार्मूला। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तैयार है। मैथमेटिक्स में भी आप लास्ट स्टेज में 2-3 चीज़ें और पढ़ लो, इतना पढ़े हो, लेकिन मैं केवल मेन मेन चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पढ़ने का मन ही है तो आप इसे पढ़ेंगे, त्रिभुज के कुछ सवाल को देखेंगे, ठीक है, नोट्स बनाए हैं तो उसे देख लेंगे, एक क्वेश्चन आने तय हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो लगभग 10 नंबर आपका यहाँ से तैयार होने जा रहा है अगर आप पढ़ पाते हो तो। और पढ़ना है सर्कल को पढ़ लीजिए, वृत्त को, वृत्त से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। और ये सब आसान चैप्टर है, आपको कई बार पढ़ाया गया है, वृत्त से क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। सरल रेखा मिनिमम 2 क्वेश्चन आपसे आएगा यहाँ से भी, सीधे सीधे ये सब चैप्टर आपको नंबर देने वाले हैं, गोल्डन टॉपिक बता रहा हूँ, 100% कन्फर्म है क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर से आए, इन सब का गारंटीड है कि क्वेश्चन आने ही हैं। और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आने तय हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, कि जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। अभी आपको बहुत सारे वीडियोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF सब कुछ दिया जा रहा है, आराम से पढ़ना है, डरना नहीं है, ठीक है। और जो लोग चैनल पर न्यू है, उन्हें नहीं मालूम है, अभी भी जुड़े हैं नए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लिए, ताकि जो चीज़ें लास्ट डेज में दी जा रही हैं आपसे मिस ना हो। आप 2-4-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर पा रहे हो, सोचो अगर 10 क्वेश्चन भी पिछले 5 दिन में थोड़ा सा स्मार्ट करके आप कर पा रहे हो तो 50 नंबर आपका, 10 क्वेश्चन का मतलब 50 नंबर आप ज़्यादा लेकर आए हो, और वो 50 नंबर आपको 50,000 स्टूडेंट से आगे लेकर जाएगा, आपका रैंक बेहतर बनेगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन वीडियो था। आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।